उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी अपनी पूरी क्षमता के साथ मैदान में है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी लगातार सपा और बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में आयोजित भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की विशाल जनसभा को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी बीजेपी बसपा और कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मैं जुर्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने खलीलाबाद में पीस पार्टी AIMIM और भागीदार परिवर्तन मोर्चा की ओर से आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। वहीं पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब भी इस जनसभा में शामिल हुए थे। वहीं आपको बताते चले, सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चाहे संत कबीर नगर की जनता हो या खलीलाबाद की जनता हो या फिर उत्तर प्रदेश की जनता हो, मैं इन पर जुर्म बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ओवैसी ने कहा कि मैंने कहा कि अगर जिंदगी बाकी रही तो 24 में भी हम सबकी नींद हराम करेंगे जो दुश्मन दौलत लेकर आ रहा है। प्यारे थोड़ी बच्चा के रख, वहीं 24 में फिर आएंगे हम। मुझे पर गोलियां चलाई गई इसलिए कि मेरी आवाज को ही खत्म कर दिया जाए। जब देख लिए कि ये ताकत से डरने वाला नहीं, जब ये देख लिए कि दौलत से इसे खरीद नहीं पाए तो गोलियां चलाई गई। डॉक्टर अयूब खान के पक्ष में सभा करने पहुंचे ओवैसी ने कहा कि अगर डॉक्टर अयूब से किसी को शिकायत है तो मैं आज हाथ जोड़कर भीख मांगता हूं कि डॉक्टर अयूब को माफ कर दो। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि आपको फैसला करना है कि आप अपनी आवाज को कामयाब करेंगे या दौलत को कामयाब करेंगे। आप डॉक्टर अयूब खान को बोल सकते हो ये डॉक्टर मेरा काम करो, ऐसा आप BSP या BJP के विधायक को बोल सकते हो। क्या बता दें कि ओवैसी 20 फरवरी को यानी कल खलीलाबाद से उम्मीदवार हुआ। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब के समर्थन में सिमरियावा में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। अब तक 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं चुनाव के नतीजे 10 मार्च